सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका दोस्त सीएसए ब्रॉलर और मैं आपका फेवरेट ब्रॉलर लियोन। वेलकम करते हैं अपने नए ब्रॉल स्टार की वीडियो पर। तो गाइस बिना किसी देर के अपने इंट्रो लगा लेते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इंट्रो हो चुके खत्म और आज हम बात करेंगे टॉप 5 इजीएस्ट ब्रॉलर टू पुश रैंक 30। अब गाइज मेरे तो कोई रैंक 30 ब्रॉलर है नहीं क्योंकि मुझे 30 करने में ज़्यादा शौक नहीं है, पर इतना आइडिया तो है कि मुझे कि रैंक 30 कौन सा ब्रॉलर इजीली हो सकता है। और मैं सारे के सारे ब्रॉलर को बताऊंगा जो सोलो शोडाउन या डुओ शोडाउन में खेल सकते हैं। मैं इसमें कोई ब्रॉल बॉल वगैरह की बात नहीं करूँगा क्योंकि 3v3 मोड में ज़्यादातर आपको टीम ही चाहिए होती है एक अच्छी सी, और लगता तो मेरे ज़्यादा लोगों के पास टीम होगी क्योंकि अगर टीम होती तो उन्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झूठ बोलता है, सीधे सीधे बोलना 30 करने की औकात ही नहीं है। चल बे बस बस हो गया अब यहाँ मुझे वीडियो शुरू करने थे, दिमाग का मत करा। तो गाइस नंबर 5 में आता है अपना फेवरेट ब्रॉलर क्रो। अब गाइस क्रो एक लेजेंडरी ब्रॉलर है जो बहुत ही तगड़ा ब्रॉलर है और इसके आप गैजेट यूज़ कर सकते हो स्लो टॉक्सिक। अब गाइस स्लो टॉक्सिक से आपके कोई भी एनिमी को स्लो कर सकता है। और जो इसका दूसरा गैजेट है उसका नाम होगा डिफेंस बूस्टर। अब गाइस डिफेंस बूस्टर आपको थोड़ा सा शील्ड देगा थोड़े टाइम की। और इसका स्टार पावर आप यूज़ कर सकते हो कैरन क्रो। अब गाइस कैरन क्रो ऐसा है कि अगर आप डैमेज दोगे और उसकी ब्रॉलर की हेल्थ 50% से कम होगी तो उसे 152 का एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा आपके क्रो के अटैक से। अब गाइस क्रो अटैक कैसे करता है, अब क्रो गाइस अटैक ऐसा करता है कि उसके हाथ में होते हैं, हिंदी में बताओ तो आपको 3 चाकू होते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसे डैगर। अब गाइस जो इसके हाथ में चाकू है वो होते हैं 3। अब गाइस इसमें जो आपको काम आएगा वो है उसका स्टार पावर। अब गाइस स्टार पावर में कुछ ऐसा खास होता है कि अगर आपके एनिमीज की हेल्थ 50% से नीचे तो गाइस उसकी जो हेल्थ होगी वो रेड से एकदम पिंक कलर की कुछ दिखेगी, जिसका मतलब अब उसके बाद डैमेज पड़ा है तो उसका 152 डैमेज एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो मतलब भाई ये बहुत ही तगड़ा स्टार पावर। और आपको अगर क्रो यूज़ करना है तो आप इसको डुओ शोडाउन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंगल में थोड़ा हार्ड पड़ेगा क्योंकि इसकी हेल्थ थोड़ी कम है, पर इसकी रेंज बहुत ज़्यादा लंबी है और इसका जो सुपर है गाइस वो जंप मारता है बहुत तगड़ा वाला। अब गाइस नंबर 4 में आता है अपना फेवरेट क्रोमेटिक ब्रॉलर सर्ज। अब गाइस सर्ज का आप स्टार पावर यूज़ कर सकते हो टू द मैक्स। अब गाइस इसमें ऐसा इतना खास बात ये है क्योंकि ये सोलो शोडाउन में बड़ा काम आता है, दूसरे वाले स्टार पावर में ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, पर जो पहला वाला है जो हमने बोला है टू द मैक्स गाइस वो इसलिए काम आता है सोलो शोडाउन में क्योंकि जो उसका हिट होगा वो अगर आप किसी बॉल में वगैरह में टच होगा तो गाइस वो स्प्लिट हो जाएगा छोटे छोटे बॉल्स में। अब गाइस जितना आपका सर्ज लेवल अप होगा जो छोटे बॉल होंगे वो सेपरेट होंगे ज़्यादा मात्रा में। इसकी गैजेट की बात कर लेते तो गाइस इसका गैजेट है एक टेलीपोर्ट करने वाला। अब गाइस टेलीपोर्ट बहुत ही अच्छा है इसके लिए गैजेट क्योंकि जो इसका पहला लेवल होता है अभी मतलब अपग्रेड करने से पहले तो मतलब उसकी रेंज थोड़ी कम होती है और उसकी जो स्पीड होती है वो भी थोड़ी कम होती है, तो मतलब टेलीपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है कि इसे थोड़ा एक सुपर रेडी कराने के लिए अपना। तो आपको इसका गैजेट बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है और जो टैंक ब्रॉलर हो गए उसके पास तो बिल्कुल मत जाना लेवल 1 का सर्ज लेकर, आप खाली बिगाना पिट जाओगे। तो बात करते हैं नंबर 3 में। तो गाइस नंबर 3 में आता है अपना आपका अपना दोस्त लियोन वापस आ चुका है। अबे लियोन तू क्यों आ गया यहाँ से, तू निकल, अभी तेरी बारी आई नहीं है बोलने की, मेरी मैं बोल रहा हूँ अभी। तो गाइस नंबर 3 में आता है अपनी फेवरेट ब्रॉलर शैली। अब गाइस शैली एक स्टार्टिंग ब्रॉलर है जो सबको शुरू में मिलती है, मतलब सबको ही मिलती है। तो पहले बहुत ही वीक ब्रॉलर थी तो मतलब बहुत कुछ ऐसे बोलते थे, बट अब जो अपडेट आया उसकी वजह से बहुत ही ओपी ब्रॉलर बन चुकी है। और मतलब भाई साहब इसका जो गैजेट को इसको जो बफ मिला ना तगड़ा, तो मतलब एक गैजेट है फास्ट फॉरवर्ड का, इसमें से ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, और एक है स्ले पिजन। अब स्ले पिजन बहुत ही तगड़ा वो गैजेट है। और जो इसका स्टार पावर की बात करते हो तो स्टार पावर में आप यूज़ कर सकते हैं बैंडेड। अब गाइस मैंने तो इसमें दूसरा स्टार पावर यूज़ करा था, पर कोई बात नहीं, पर आप बैंडेड यूज़ करना कि बैंडेड बहुत ही तगड़ा एक स्टार पावर है। और गैजेट में आप यूज़ कर सकते हैं वो रेंज वाला जो लंबी रेंज होती है जिससे, इसका मैंने अभी नाम बोला था पर नाम भूल चुका अभी मैं। तो मतलब भाई ये दोनों कॉम्बिनेशन इतनी ओपी कॉम्बिनेशन है कि भाई अपडेट के बाद मतलब शैली को आज कोई भी पुश कर देगा 29 तक का, आप सोलो या डुओ कुछ भी खेल सकते हो। तो भाई बैंडेड स्टार पावर से आपको ये काम आएगा कि अगर आपकी हेल्थ 40% से नीचे चली गई है तो भाई आराम से आपकी हेल्थ थोड़ी मिल जाएगी आपको, मतलब 2500 के आसपास की हेल्थ आपको वापस गेन हो जाएगी। और वहाँ नीचे एक बार होता है तो उससे पता चलता है कि आपको कितनी हेल्थ मिलेगी, कब मिलेगी मतलब टाइम में। तो बस भाई यही था शैली का, मतलब जितना भी है बस शैली आसान है बहुत चलाना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ईजी है, मतलब आपको क्या करना है बीच वाला बटन दबाना है और क्या कहते हैं बुश में छुप जाना है, बस गेम आपका फिर। तो भाई अब बात करते हैं अपने नंबर 2 की ब्रॉलर की बात। और भाई नंबर 2 में आता है, अरे भाई रुक जा मेरी बारी आ गई बोलने की, अब सब कुछ तो ही बोल देगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सब बोल दे भाई, मुझे वीडियो में रखे क्यों रहा है, मैं बोलूंगा अब, तू निकल यहां से अभी। चल ठीक है लियोन भाई यार तू बोल दे यार, तू बोल अभी। तो गाइस फाइनली आ चुका है आपका फेवरेट ब्रॉलर लियोन। अब गाइस यहां से मैं शुरू करता हूं। और गाइस नंबर 2 में आता है अपना एल प्रीमो। अब गाइस एल प्रीमो में आप कोई भी गैजेट यूज कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गैजेट कोई भी, बट इसका आप स्टार पावर एल फ्यूजर पक्का यूज़ करना क्योंकि उससे आप अगर किसके ऊपर भी आप सुपर यूज़ करोगे तो उसको
जब आप डैमेज दोगे तो उसका पूरे बॉडी में आग लग जाएगी और वो धीरे धीरे थोड़ा सा 800 का शायद 800 या 1200 का कुछ डैमेज देगा। तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, इतना डैमेज मिल जा रहा है मतलब अपने सुपर यूज़ करने के बाद। तो मतलब आपको एल प्रीमो यूज़ कैसे करना है, आपको एल प्रीमो यूज़ करने का बहुत ही सिंपल फंडा है कि आप जितने भी हो सके जेम कलेक्ट करो और अपने कोई भी बुश वुश में छुप जाओ, जो भी आपके पास आएगा उसको आप पंच पंच मार के ख़त्म कर दो बस। और भाई इतना इजी है एल प्रीमो को यूज़ करना कि मतलब भाई इतने सारे लोग एल प्रीमो यूज़ करते हैं ना सोलो या डुओ शोडाउन में कि मतलब भाई लाइन लग जाती है सोलो शोडाउन में। तो इसको आप सोलो शोडाउन में ज़्यादा यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो भाई फाइनली आ चुका है अपना नंबर एक ब्रॉलर। अब भाई नंबर एक ब्रॉलर में आता है अपना एगर। नंबर एक में मैंने एगर को इसलिए रखा क्योंकि भाई उसका अटैक बहुत ही तगड़ा है और उसको जो गैजेट मिलता है उसका जो है हार्ड कोर और दूसरा है फ्लाई हाई। तो भाई आप फ्लाई हाई यूज़ करना और स्टार पावर तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा उसने उसमें, पर जो आपका फ्लाई हाई वाला गैजेट होगा भाई वो बहुत काम कर आएगा इसमें कि आपको अगर मतलब अपना सुपर जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ता है कि सोलो शोडाउन है। सोलो शोडाउन में अगर आप उसको ऑफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई चैलीवेरी आगे मारने के लिए तो आप उससे उड़ के कहीं और जा सकते हो बचने के लिए हेल्थ लगाने के लिए, और अगर कोई इजी ब्रॉलर जिसका आप पता है कि आप मार सकते हो तो उससे आप वो जंप मार के अपना सुपर यूज़ करके उसे आराम से किल कर सकते हो। तो मतलब भाई एगर बहुत ही ईजी है, बस का खाली एक वो डिसएडवांटेज उसका हेल्थ है, पर हेल्थ भी उसे अगर जितना आप किसी को डैमेज दोगे तो उतना उसका हेल्थ बढ़ते रहेगी, तो ये भी उसका एक प्लस पॉइंट है। बट थोड़ा सा हेल्थ उसका कम है तो मतलब थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है कि कैसे मर गया, पर तब भी मतलब बहुत काम का। नंबर एक मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि भाई बहुत ही ओपी ब्रॉलर है, ऑफेंस कर तो कद कम। तो रैंक थ्री आप इससे आराम से पहुंच जाओगे, मतलब भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी है मैं थोड़ा बुश कैंपिंग वगैरह करना पड़ेगा तो मतलब हो ही जाता है भाई, इसमें क्या खास है। तो ये भाई मेरा ओपिनियन था और हल्का का ओपिनियन था, तो मतलब इससे आराम से 30 रैंक तो पहुँचे जाओगे। और यही थे हमारे टॉप 5 ब्रॉलर जो आराम से 30 रैंक तक पहुँच सकते हैं। तो यहीं तक का वीडियो थी अपनी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई सजेशन देना होगा वीडियो बनाने का तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।